गला काट दिया मेरे लाल का, और एक की हत्या कर दी गई और उसका बाप की हत्या कर दी, उनका फ्यूचर क्या होगा सर जी, कौन देखेगा? फांसी होनी चाहिए, बच्ची कह रही है फांसी होनी चाहिए उनको, इंसाफ होगी बेटा। अगर आप व्यापारी हैं तो ये खबर आपके लिए है, और अगर आप रिश्तेदार पर ब्लाइंड फेथ करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। खबर जनपद गाजियाबाद से है, जनपद गाजियाबाद का थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र पड़ता है, जहां 15 तारीख को दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में एक मरने वाले थे नईमुल हसन, जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल या 40 साल के करीब होगी, और उनका एक बेटा था जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी, उवेस को, और इनके वालिद नईमुल हसन को, दोनों को बेरहमी से गला काट कर मारा गया था। मतलब जिसे बोलते निर्मम हत्या की गई थी, बेरहमी से इनकी हत्या की गई थी। आज पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, और इस पूरे मामले में जो आरोपी है, जो सामने आया है, आप चौंक जाएंगे, वो आरोपी इनका भतीजा था, मरने वाले का भतीजा था, और जिसका नाम महरोज था। ये जो अभी हाल ही में मर्डर हुआ था ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में, इसमें पिता और पुत्र की, जो कि बच्चा सिर्फ 8 वर्ष का था, इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई थी घर में, इन्हीं के घर में। और इसमें दोनों लोगों की हत्या करने वाला महरोज, जो कि रिश्ते में भतीजा लगता है, और इसकी दुकान पर, मृतक की दुकान पर ही काम करता था नईमुल की दुकान पर, तो ये अरेस्ट हुआ है। और पूछताछ में इसने काफ़ी अहम जानकारियाँ बताई, किस तरह से इसने ये घटना कारित की, वो सब चीज़ें इसने हमको बताई। महरोज को ये पता चला था कि उनके चाचा के पास में, नईमुल हसन के पास में करीबन 4 लाख रुपए के करीब आए हैं, और 4 लाख रुपए घर पर रखे हुए हैं, उसी को लूटने के एवज में ये घर पर आता है, सोने की बात करता है कि आज मुझे आपके यहाँ पर सोना है, वरना मुझे मेरे वाले साहब कहीं ले जाएंगे काम करने के लिए। एक कहानी बनाई, एक पूरी कहानी बनाई, और कहानी बनाने के बाद घर पर सोया, और सोने के बाद बस सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 8 साल के बच्चे की भी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी है, अब देखिएगा, ये आरोपी इस गाड़ी में आरोपी बैठा हुआ है, ये इसकी लड़की की माँ है, इसी गाड़ी में आरोपी जा। चलो मासूम को खत्म करते हुए शर्म, क्या हाल हुआ है, मासूम को खत्म करते हुए शर्म आई, गला काट दिया मेरे लाल का, उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा जो दो लड़कियां और एक लड़का गोद में है, और एक की हत्या कर दी गई, और उसका बाप की हत्या कर दी, उनका फ्यूचर क्या होगा सर जी, कौन देखेगा आने वाले टाइम में। तो सिर्फ फांसी होनी चाहिए सर, कितना खुल खोल है, फांसी होना चाहिए सर। ये देखिए बच्ची को कैसे रो रही है, फांसी होनी चाहिए। पापा की याद आ रही है? बिल्कुल सर, पापा की याद आ रही है उसे, कब से देखा कर पापा मां। तीनों बच्चे मरने वाले हैं। इस मासूम को क्या पता कि ये बच्चे का बाप खत्म हो गया है सर जी, उसके साथ क्या हादसा हुआ। वो तो बिल्कुल वो गया जेल गया, वो ठीक है ना, जेल गया। आप जानते थे उन्हें, महरोज को जानते थे आप? चाचा बोलते थे उन्हें, भैया बोलते थे। आपको यकीन था वो भैया ऐसे काम कर देगा? नहीं पता था। अब इन बच्चों का मुस्तकबिल देखिए, इन बच्चों को कैसे परवरिश हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि मारने वाला तो चला गया जेल, ठीक है ना, मरने वाला चला गया वो, और मरने वाला भी चला गया। अभी ये अपने पीछे छोड़ गए तीन बच्चे, इन बच्चों की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप इनकी नानी, आप इनकी, मैं ना छोड़ूंगी बच्चों को, यहाँ दुश्मन है, यहाँ अब नहीं छोड़ूंगी इन तीन बच्चों को, अब नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने साथ रखूंगी, बड़े हो जाएंगे दिल्ली आ जाएंगे, मैं 40 रुपए के माल ले जाऊंगी। मैं छोड़ूंगी ना। आप नाना हो? जी मैं नाना हूँ। खांची चाहिए सर, खांची, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
जो कत्ल हुआ है नईमुल हसन का बड़ा भाई हूँ, ममनून नाम है मेरा, इसकी फांसी होनी चाहिए, हमारी यही मांग है सरकार से। चलिए आप तमाम लोग घर जाइए अब, ठीक है ना, आप घर जाइए। ठीक है सर, सोचना जी, छोटे बच्चे हैं ना, सोचना बस इनके बारे में, पढ़ने लिखने लगे बस बच्चे। इन मासूमों का इसमें जो चैन था वो उसने लूट लिया। अब मेरा जो है ये कहना है शासन से, प्रशासन से, कि इन बच्चों का ख्याल करा जाए। ये किसके आगे हाथ फैलाएंगे, रोड पे भीख मांगेंगे, कैसे खाएंगे साहब? इन पे जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कोई कारोबार नहीं। जो इनका बाप था वो आगे इसमें मेहनत मजदूरी करता था, जिससे ये बच्चों को अपने पाल लिया था। अब बाप का साया तो रहा नहीं इस भेड़िए ने आगे। सबको आगे आना चाहिए ना, सबको। हमारे एसपी साहब ने, सीओ साहब ने, और जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, सबने हमारे लिए आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा और इन बच्चों के लिए इंसाफ मिलेगा साहब। ये छोटा सा मेरी तरफ से 5000 रुपए। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं साहब, आप हमारे बड़े हैं, कोई बात नहीं। ये मेरा भी भाई था। सुनिए इंसाफ इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, आप यकीन रखिए, यकीन रखिए, छोटा सा रखिए, आप बच्चे काम आएंगे इंसाफ। आप नहीं, आप माँ उनकी, मेरी माँ मार माँ को मार के चला जाता, उन्होंने जाने कैसा सोच रखा है, जो से मार दिया मेरे का। इन बच्चों का सुने मेरा नहीं, देखिए इंसाफ मेरे हाथ में नहीं है ना, इंसाफ अल्लाह करेगा, इंसाफ कोर्ट करेगा, ठीक है ना। मैंने हमसे थोड़ी सी कोशिश करी है, मैंने कुछ किए बच्चों के लिए। आप परेशान मत होइए, अभी हमसे जो मदद हुई हमने करी। और अब मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन यतीम बच्चों का ख्याल रखे। गवर्नमेंट से अपील है कि इन यतीम बच्चों का ख्याल रखे, जो एक धनराशि मुहैया करा सकते हैं वो मुहैया कराइए। ये यतीम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे हैं, इनके इनके घर से इनके इनके बस इनके इनके सर से इनके वालिद का साया उठ गया है। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार सपोर्ट करे, और सजा तो मिल ही जाएगी। और मैं ये भी यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह मैं भी इन बच्चों का पूरा ख्याल रखूँगा, ठीक है ना। हर महीने जो मुझसे होगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर महीने मैं इन बच्चों को राशन जरूर दे सकता हूँ, ठीक है। हर महीने आप आके मुझसे एक राशन का पैकेट ले जाइएगा, जब तक ये बच्चे इनका कोई साया नहीं होता, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, हिम्मत मत हारिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।